एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का ओपन। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको अपनी बेल दिखा रही हूँ और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वेरी इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से चैनल पर बने रहिए और वीडियो ज़रूर देखना। इसके बाद का वीडियो ऐसा कमाल का वीडियो है, वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपनी इस बेल को कैसे अच्छी तरीके से ग्रो करोगे। तो आज का वीडियो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। लास्ट किसी शॉर्ट वीडियो में मैंने आप सबको, देखिए मिर्च दिख गई है, पहले आप मिर्च देख लो। और सच में बिलीव करो, अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, कितनी लंबे साइज़ की मिर्च है। प्लांट भी रिपोर्ट नहीं हुआ, खाद भी नहीं डाला, गुड़ाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको शीड ग्रो करना बताए थे, तो देखिए धूप बहुत तेज़ है जिसकी वजह से मैंने इसको एक शेडी एरिया प्रोवाइड कर दिया है। आप कैसे भी कर सकते हो, नेट भी लगा सकते हो, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। नेट के लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगी कि क्यों हमें अपनी बेल वाली जो सब्जियां हैं उन पर नेट से कवर करना चाहिए, क्यों, क्या कारण होता है, सब कुछ बताऊँगी। तो ये जो सीड मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रो हो गए हैं, ये है हमारे लॉन्ग घिया जो होता है ना लंबे वाला, ये उसके सीड है। तो ये सीड काफ़ी लंबे टाइम के बाद ग्रो होते हैं। आप ये मत समझना कि आपने इसको आज लगाया और दो से चार दिन के बाद आपको दिखे, थोड़ा वेट करना पड़ता है इनके लिए, ठीक है। और आपको पता है कि कितना हेल्दी होता है ये सब्जी, क्योंकि हमें इससे बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आई थिंक 3 सीड लगाए थे, अभी तक एक ही ग्रो हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सारा पॉट ले लिया है, आई थिंक ये 18 से 20 इंच के करीब का पॉट है, और मैंने इसको अपना जो मेरा सीक्रेट तरीका है उसी तरीके से मैंने इसको फिल कर लिया है। अगर आपके पास वो सीक्रेट तरीका नहीं है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, मैंने सुपर ट्रिक करके एक बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं कौन सी मेरी ट्रिक है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप ज़रूर वो वीडियो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर बहुत नए नए तरीके सीख सकते हो अपने बड़े सारे पॉट को फिल करने के कम मिट्टी में, ठीक है। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं तो आप कैसे फिल करोगे इसको, तो 40 से 50% के करीब आप अपना लेना मिट्टी, 30% के करीब आप इसमें मिक्स करना खाद। खाद कोई सा भी हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, गोबर की खाद, या आप जो घर पर बनाते हो पत्तियों की खाद, जिस भी चीज़ की तरह की खाद आपके पास हो वो खाद ले लेना, और बाकी हिस्सा जो बचा वो ले लेना अपना रिवर्स एंड। रिवर्स एंड मिक्स करना ज़रूरी है, डिटेल वीडियो है चैनल पर जिससे आप देख कर सीख सकते हो कि मिट्टी कैसे बनाते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप अपने पॉट को फिल कर लेना। आज मैं आपको ग्रो करके बताऊंगी जो गोल वाला होता है ना मोटा सा कद्दू, कद्दू बोलो या फिर घिया बोलो, ये वो है, कद्दू नहीं है सॉरी, घिया है, लॉन्ग वाला घिया। एक तो लंबा घिया होता है, आप सबको पता है, ये एक जो गोल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये उसके सीड हैं, ये मैंने ले लिए हैं, अब मैं इनको ग्रो करना बताऊंगी आपको। आप चाहो तो इसकी पनीरी तैयार कर सकते हो, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि जब भी हम पनीरी तैयार करते हैं और उसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो कुछ प्लांट मर जाते हैं, तो मैं सीधा सीड लगाना पसंद करती हूँ, इस तरह से होल बनाना और उसको यूँ कवर कर देना। तो बड़ा सारा पॉट है लेकिन फिर भी मैं इसमें दो ही सीड डालूंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ और भी लगाना पड़ जाता है, या अचानक से कोई ऐसा प्लांट उग जाता है जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं साइड में ही किसी भी प्लांट की कटिंग वगैरह लगा देती हूँ, ठीक है। तो बस आपको इस तरह से इसको कवर कर लेना है। अगर आपका पहले से भरा हुआ पॉट है, मिट्टी से भर रखा है, तो आप होल करना और उसमें वर्मी कंपोस्ट डालना, फिर अपना सीड डाल देना और उसके ऊपर से थोड़ा सा, चाहो तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो या मिट्टी की पतली सी लेयर बना देना, ये तरीका है। और उसके बाद आपको वाटरिंग कर देनी है, आप इसको कहीं भी रख सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी 4 से 5 दिन के लिए ना इसको सेडी एरिया में रख देना। सेकेंड टाइम वाटरिंग तब करना जब इसके ऊपर की लेयर अच्छी तरीके से सूख जाए। तो अभी मैंने वाटरिंग कर दी है अच्छी तरीके से, मिट्टी मेरी नीचे की सारी सूखी हुई है, और सीक्रेट तरीका है तो नीचे बहुत सारा गीला मटेरियल है, तो ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने इतना पानी डाल दिया कि नीचे तक पानी पहुंच जाए और सब कुछ गीला हो जाए। अब मैं इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपने 4 से 5 दिन के लिए सेडी एरिया में रखा है तो 6ठे दिन आपको धूप में रख देना है। धूप में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो ये समर वाले प्लांट है, समर वाले सीड हैं, तो इनको धूप में ही चलना है, धूप में ही ग्रो होना है, धूप में ही उगना है। तो इसलिए 11 दिन के लिए सेडी एरिया में बिल्कुल मत रखना। और जैसे ही आपका सीड ग्रो हो जाए हफ्ते भर के बाद या 10 दिन के बाद, क्या सीक्रेट खाद उसमें ऐड करोगे वो मैं इससे बाद वाले वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरीके से आप भी अपनी जो बेल वाली सब्जियां हैं उनको ज़रूर ग्रो कर लो, और थोड़ा सा वेट करना हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के लिए वेट ज़रूर करना। कभी कभी ऐसा होता है सीड ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लंबा लग जाता है, लेकिन ग्रो ज़रूर होता है। अगर ग्रो होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि कौन सा तरीका आपको यूज़ करना चाहिए कि आपका सीड 100% ग्रो हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डन।